हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम शाम के 6 बजे। वैसे तो देर ने मॉर्निंग में व्लॉग बनाया था, बट वो व्लॉग सही नहीं बना, उसमें वॉइस में थोड़ी मिस्टेक आ गई थी, तो इसलिए मैंने बोला फटाफट से मैं न्यू व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज का व्लॉग यही होने वाला है। आज जैसे कि आपको मॉर्निंग में भी बताया है कि आज मासी की फ़्लाइट है शाम के 8 बजे की, वैसे तो 9 बजे की, बट हमें 8 बजे एयरपोर्ट में छोड़ने जाना है। और मौसम जैसे कल बता रहे थे एकदम डरावना डरावना कि बहुत बारिश पड़ने वाली, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं और बारिश पड़ी होगी, बट हमारे इस एरिया में कहीं बारिश नहीं पड़ी, बूंद भी नहीं पड़ी। तो बस अभी पहले पीटर को ले जाएँ वॉक कराने, फिर आके हम सब मी टाइम करेंगे, चाय पियेंगे, फिर फटाफट से मासी की पैकिंग कराएंगे और फिर तो बाय बाय कह देना है। बहुत ज़्यादा यार दिमाग में चल रहा है, हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मतलब आप खुद बताओ, हमें हफ्ते का 1% नहीं पता चला कि कैसे निकल गया, ऐसे जैसे चुटकी मारे बोलते हैं, बट सच में ऐसा लग रहा है चुटकी मारी और हफ्ता कंप्लीट हो गया है। तो मैं मिलती हूँ आपको जब पीटर को ले जाएँ उसके बाद। अभी मम्मी और मौसी बातें कर रहे हैं अपने, वही बहने अपने बात शेयर कर रहे हैं कि तू जल्दी आ जाना पंजाब, वैसे पर कहाँ जा होता है, मम्मी से भी वहाँ से नहीं आओगे और मासी से भी वहाँ से नहीं आओगे, बट फिर भी जब भी टाइम लगा हम पंजाब ज़रूर जाएंगे। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 8 और बस हम लोग छोड़ने जा रहे हैं मासी को एयरपोर्ट। मैंने सोचा था हम सब मी टाइम करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, बट मासी ने चाय पी नहीं, मासी ने थोड़ा सा ना लंच कर लिया, मतलब 2 रोटी खा ली, क्योंकि मासी बोली फिर फ्लाइट में बैठना है, फिर भूख लग जाएगी, और उनका जो टाइम टेबल है उनका शेड्यूल ऐसा है कि रात को उनको भूख लगती है, तो इसलिए दीदी ने उनको रोटी दे दी और मासी बोली अभी चाय नहीं पीनी है, और मीठा कुछ बनाया था मम्मी दीदी ने वो दे दिया मीठे में। तो अभी चलते हैं और थोड़ा टेंशन सा हो रहा है कि यार अब पूरा घर खाली खाली हो जाएगा, कोई है नहीं, बट कोई नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम फिर जल्दी से मिलेंगे या हम लोग जाएंगे। मुझे ऐसा कोई व्लॉग में बताती हूँ मैं, बस मैं बाल बना लूँ और दिया बत्ती हो चुकी है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा मंदिर। तो अभी फाइनली मासी को बाय बाय कर रहे हैं और मासी बहुत ज़्यादा खुश है पंजाब। हाँ, मासी हफ्ते इधर ही, भैया बिल्कुल खुश नहीं, उनके फेस से दिखाई दे रहा है। पंजाब क्या रखा है, अहमदाबाद में सब कुछ रखा हुआ है, एंड सब लोगों की शक्ल देख लो मुंह पे, 12 बजे हुए यार, मासी हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। बड़ी अच्छा हफ्ता बीत गया, मैं जा रही हूँ अभी मासी को, तो फिर अपना घर है तो फिर याद आता है, आपको नहीं आता अपना घर? ये जिस घर में सही है, पॉइंट है। तो बस मासी हम सबसे गले लग के मिली, क्यों मिली, क्योंकि दीदी मेरे साथ एयरपोर्ट नहीं चल रही थी, दूसरी दीदी चल रहे थे, वो बोले मुझे माइक बाय करने जाना है, उनको जाना है, और हम लोग देखो कैसे बैठ के गए, वो मेरी गोदी में बैठे थे, मतलब इतनी हंसी आ रही थी ना मुझे, हम लोग ऐसे गए एयरपोर्ट तक। वो तो अच्छा है हमारी गाड़ी के कांच काले हैं, नहीं तो बहुत जुलूस लगता हमारा। तो बस फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, मासी से अच्छे से मिले और भैया से भी बहुत अच्छे से मिले, हग वगैरह किया, थोड़ा इमोशनल भी हुए कि यार अभी ये लोग पता नहीं कितने साल बाद आएंगे, भैया तो क्योंकि न्यूजीलैंड जा रहे हैं, बट फिर भी एक अच्छी स्माइल के साथ भैया को बाय करते हैं और फिर जल्दी मिलते हैं, होप करते हैं। सो बस बाय वगैरह करके चले गए और मासी को घर पर जाने की इतनी बड़ी थी, मासी ने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं, हम वेट कर रहे थे कब मासी पीछे मुड़ेगी, बट मासी ने देखा ही नहीं। अब बज चुके हैं रात के पूरे 10:30 और हम लोग मासी को ड्रॉप भी कर रहे हैं, मासी फ्लाइट में बैठ भी चुकी है, मासी की फ्लाइट भी चढ़ भी चुकी है, मासी 1-1.5 घंटे में पंजाब पहुंच जाएगी, फिर मासी को शांति की हाँ मैं अपने घर चली गई हूँ। मासी ने अच्छे से बाय तक भी नहीं किया, मासी को ये था अरे फटाफट से जाऊँ, क्योंकि आज मौसम बताया था ना कि 15 तारीख को ऐसा होने वाला है, तो मासी को उस चीज़ का डर बैठा था कि मेरी फ्लाइट ना कैंसिल हो जाए, ऐसा हो गया, पर थैंक गॉड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी पहुँच जाएंगे वो आज तक और रात तक फ़ोन आ जाएगा मासी का। बस अभी हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं और आज खाना बाहर से मंगाएंगे, क्योंकि दीदी थोड़ा सा थक चुकी है और आज दीदी की थोड़ी सी तबीयत भी ना ख़राब है, सर्दी हो चुकी है कल, क्योंकि ठंडा पानी पी लिया था बाहर, तो मैंने कहा चल तो आज रेस्ट करें, आज बाहर से मंगवा लेते हैं और पनीर ऑर्डर करवा रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मैं और मम्मी अभी पीने जा रहे हैं चाय, चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं। तो आज ना आज की चाय बहुत लेट हो चुकी है, आज की रात की चाय हलीन 11:30 बजे पी रही है, हलीन ने जबरदस्त करके मुझसे चाय बनवाई है, और मम्मी और मम्मी की फ्रेंड भी बैठे हैं उस कोने में। मम्मी चाय कैसी है? और पता है मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है, गला भी बहुत दुख रहा है, मुझे थोड़ा फीवर सा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इतने बुखार में भी इस लड़कियों को चाय बना के दी है। गला खराब है ना, क्योंकि कल मैं हम बाहर गए थे ना, तो मैंने कोई ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया और उसके ऊपर से गर्म दूध पी लिया, उस वजह से हो गया मेरा गला खराब। पानी
बस आज से हमारा शेड्यूल वही पुराने वाला होने वाला है, मतलब बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ होने वाला है। वैसे तो हम लोगों ने मासी लोगों को भी शेड्यूल ख़राब कर दिया, तो आप देख सकते हैं रात के 2 बज चुके हैं और यही लड़की यहाँ पे डिनर बनाने आई है। और सब्जी तो हमने बाहर से ऑर्डर करवा ली क्योंकि आज इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इधर मैं बहुत मुश्किल से रोटी बना रही हूँ, मेरी आँखें देख बंद हो रही हैं। तेरे को शायद थकावट भी हो चुकी है या तो तेरे को कल ठंडा पानी पी लिया ना, उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और ये सब्जी मंगाई, इससे हम तीनों चला लेंगे। और मैं तो आपको बाद में एंड करूँगी ब्लॉग आपके साथ खाना खाते टाइम। मैंने आज मॉर्निंग से कुछ भी नहीं चाया, पहले मैंने चाय पी ली है, छाया है खाया है, तो पहले चाय पी ली, वो तो आपने ब्लॉग में देखा ही। अब मैं खाऊंगी रात को, जो मेरा डेली का रूटीन है कि कितने बजे खाना खाती हूँ, वो खा के फिर सो जाऊँगी, फिर मॉर्निंग का देखते हैं क्या करते हैं। वही मॉर्निंग में रूटीन, गुड मॉर्निंग, ये वो, बट अभी हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती है, चेंजेस आते रहते हैं। सो बस अभी आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद। कुछ कहना चाहेगी? याद नहीं आ रही मासी की? आ रही है ना, मासी के लिए 2 रोटी है, गाना मासी खा लो। मासी और क्या खाओगे, भैया क्या खाओगे, वो चीज़ें थोड़े दिन तो मिस करने वाले हैं, बट फिर धीरे धीरे यूज़ टू हो जाएंगे। तो दीदी मम्मी ने डिनर कर लिया है, वो सो चुके हैं, आप लाइट बंद से अंदाज़ा लगा सकते हो, वो दोनों खा के सो चुके हैं, पीटर भी सो चुका है। तो मेरा डिनर करने का टाइम है, तो मैं अभी बस डिनर कर रही हूँ। आज का डिनर मस्त है, दीदी ने स्पेशल मुझे राइस बॉयल किए, ये जो रात वाला पनीर है वो, और मैंने तो डब्बा भी नहीं फेंका, इसमें जो एक्स्ट्रा पनीर लगा है वो भी मैं खाने वाली हूँ। आप भी ऐसा करते हो क्या? मैं तो ऐसा करती हूँ, वेस्ट नहीं करनी है, अगर मंगवाइए तो पूरा खाएंगे। मैं ये सब खाने के बाद सीधा सो जाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग एडिट हो चुका है, खाते खाते देखूँगी क्योंकि मस्त पॉडकास्ट। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको सारी सीरीज़ अच्छी लगी हो, जहाँ जहाँ हम घूमें, जैसे ब्लॉग्स थे, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आ रहे हैं। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। ओके, गुड नाइट।